थिंक उन लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता है, वो बस वो लोग शायद देश में दहशत फैलाने के लिए है। और अच्छा, आप एज ए देखिए आप इस्लाम, मुझे गलत आप समझ एज ए रही हैं। मुस्लिम इस चीज को देख रहे हैं कि आपके रिलीजन के नहीं नहीं सेंटिमेंट्स नहीं हर्ट आप हो रहे मुझे हैं। गलत भाई समझ आई एम रही हैं। ऑल्सो ए मुस्लिम, बट आई सपोर्ट दिस थिंग बिकॉज ये रियलिस्टिक है। ये कोई इस्लाम को बदनाम करने के लिए नहीं है, ये उन लोगों को बदनाम करने के लिए है जिन्होंने, बदनाम नहीं, ये उन लोगों का रियल चेहरा दिखाने के लिए है सोसाइटी में, फायदा जिन्होंने 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 इस्लाम को बदनाम किया है, जिन्होंने गलत वे में इस्लाम को लिया है। हाय व्यूअर्स, दिस इज मेरी बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हमें इंडियन कश्मीर से ज्वाइन किया है फाइका जी ने। फाइका जी, बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच रिबा फॉर हैविंग मी हेयर, एंड अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी लोगों को जो इस टाइम पे हमें देख रहे हैं। थैंक यू फाइका। मेरे आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो ये है कि केरला स्टोरी पर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों चल रही है, आप इस बारे में क्या कहेंगी कि बींग अ इंडियन मुस्लिम आप इस मूवी के बारे में क्या ओपिनियन रखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, कंट्रोवर्सीज जब जब सच होता है तब तब कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती है। इट्स नॉट लाइक अबाउट कि हम रिलीजन को ही देखें, बहुत सारे रिलीजन में, जैसे कि इस्लाम की बात की जाए, हिंदुइज्म की बात की जाए, क्रिश्चियनिटी की बात की जाए, सिखिज्म की बात की जाए, तो हर एक रिलीजन में अच्छे बुरे लोग पाए जाते हैं। सो दिस मूवी इज अबाउट कि कैसे जो है एक्सट्रीमिस्ट जो मतलब रेडिकल्स होते हैं, कैसे वो एक एक हिंदू लड़की को, इट्स नॉट ओनली अबाउट इस्लाम के इस्लाम ऐसा है, उस मूवी में रियलिटी दिखाई गई है, जैसे कि हमारा देश, और उस मूवी में ये भी इस्लाम को भी वैसे टारगेट नहीं किया गया है, बट सम इस्लामी रेडिकल्स, जैसे कि कुछ मौलानास होते हैं, वो इस्लाम में वो बातें होती ही नहीं है जो कि वो खुद से ही हमारे दीन में डालते हैं। दैट इज वाई शायद इस्लाम को टेररिज्म में बढ़ावा देने का मतलब रिलीजन समझा जाता है। अगर देखा जाए आपके मुल्क में भी इस्लाम को इतने गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, कि हर किसी को लगता है कि इट इज द फॉल्ट ऑफ योर कंट्री, कि आपकी वजह से बाकी मुस्लिम्स को जो है जेलना पड़ता है। सेकेंड थिंग, मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ये एक रियल बेस्ड स्टोरी है कि कैसे जो है हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती और कन्वर्जन कराया जाता था, जबरदस्ती उनको मारा पीटा जाता था। वो एक दिल दहलाने वाली मूवी थी और उसमें साफ तौर पर रियलिटी थी। अब आप बोलो कि रियलिटी कैसे थी, बिकॉज जिन लड़कियों के साथ वो हादसात हुए थे, आप हमारे नेशनल टीवी प्लेटफॉर्म देखे, एबीपी न्यूज या फिर और कोई प्लेटफॉर्म देखे, तो वहां पे क्लियरली वो चीजें डिपेक्ट हो चुकी है। वो लड़कियां जो है क्लियरली उन्होंने बोला है कि हमारे साथ क्या कुछ हुआ किया जाता था। एक लड़की की मैंने स्टोरी सुनी, शी वॉज फ्रॉम केरला, तो उनको जो है 13 साल पहले जो है उनको इस्लाम जबरदस्ती कन्वर्ट कराया गया था। एंड अकॉर्डिंग टू हर, उनसे हमें ये जानने को मिला कि उनके साथ कुछ मुस्लिम कलीग्स पढ़ते थे, और मुस्लिम कलीग्स में उन्होंने उसके दिमाग में उनके धर्म के बारे में वो ऐसी क्वेश्चंस पूछते थे, शायद ही वो नहीं जानती, बिकॉज हर कोई उतना ज्यादा तो नॉलेज रखता नहीं है। तो धीरे धीरे उनमें वो मतलब उसके दिमाग में वो बातें डाली गई, उनको जबरदस्ती कन्वर्ट कराया गया। तब जाके एक पॉइंट पे वो ऐसे आई, एक पॉइंट पे वो अपने रिलीजन को ऐसे समझ पाई, फिर से वो सब ठीक हो गया। लेकिन जो हादसात उन लड़कियों के साथ हुए हैं, जो हादसात उन लड़कियों के साथ कुछ लड़कों ने जो कि फंडेड थे, जैसे कि आप भी आपकी कंट्री भी टेररिज्म टेरर फंडिंग में माशाल्लाह बहुत आगे है, तो उसी प्रकार से जो है उन लोगों को रिक्रूट किया गया था उस एरिया में, जो कि हिंदू लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट कराते थे। तो ये एक रियलिस्टिक स्टोरी है, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। इसमें किसी रिलीजन को, आई एम माई सेल्फ ए मुस्लिम, बट आई एम इन फुल सपोर्ट ऑफ दैट मूवी, बिकॉज यहाँ पे इस्लाम को टारगेट किया ही नहीं जा रहा है, यहाँ पे उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो कि इस्लाम के नाम पे दहशत फैलाते हैं। इस्लाम में वैसा कोई, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम में ऐसा कहीं पे नहीं है। जैसे व्हाट, उन जैसे लोगों और उन जैसे मौलाना की वजह से शायद मुस्लिम लोग बदनाम है, हम जैसे मुस्लिम लोग बदनाम है, और हम जैसे जो एक सच्चाई में रिलीजियस लोग है ना, जो हमारा रिलीजन वाकई में जो चीज कहता है ना, उस पे वो लोग तो है नहीं। भाई आप मुझे बोलो कि रिलीजन में ये कहाँ पे लिखा है कि आप किसी के इंसल्ट पब्लिक प्लेस पे करो? भाई हमारे रिलीजन में ये कहाँ पे लिखा है कि आप किसी को जबरदस्ती इस्लाम कन्वर्ट कराओ? तो जाहिर सी बात है, जब आप इस्लाम की वो छवि हमारे समाज में डालोगे तो लोग तो समझेंगे ये टेररिज्म है, लोग तो समझेंगे ये दहशत का एक रिलीजन है, लोग तो इस्लाम से नफरत करेंगे ही। लेकिन अगर वाकई में आप इस्लाम को उस तरीके से लोगे ना,
जिस तरीके से हमारे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने इस्लाम को लाया था, जिस तरीके से उन्होंने इस्लाम को फैलाया था, तो लोग आपके रिलीजन से भी प्यार करेंगे। तो ये मेरी ओपिनियन है फाइका, बींगा पाकिस्तानी मैं इसे सपोर्ट नहीं करती हूँ और इस तरह की चीजों को तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। तो आपने सॉरी, दो स्टेट्स ने इंडिया में जो है वो इसको बैन किया इस मूवी को, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जरूरत नहीं है कि पाकिस्तानी, एज आई क्लियरली टोल्ड यू कि पाकिस्तानी हमेशा से ही दोगलापन दिखाते हैं, हमेशा से ही इंडिया की चीजों पे उनका अपोजिट ही रिएक्ट होता है, लेकिन उस चीज से हमें घंटा ही फर्क पड़ता है। आई एम क्लियरली सीइंग यू दैट थिंग। सेकेंड थिंग, आपने बोला कि दो स्टेट्स में इसको बैन किया गया है, तो आई थिंक हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे उनसे हमें काफी कुछ जानने को मिला है और काफी कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने क्लियरली बोला है कि आप ये चीज, आप ये मूवी देखें, इसमें रियलिटी है। तो भाई, जो लोग, जिन लड़कियों के साथ ये हादसा, आप अपने रिलीजन के सेंटिमेंट्स को देख रहे हो कि आपके रिलीजन के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, बट आप उन लड़कियों को तो नहीं देख रहे हो जिन लड़कियों ने ये सब झेला है। तो आप मुझे बोलो, ये किस रिलीजन में लिखा है? अगर ये इस्लाम है तो सॉरी, इट्स नॉट इस्लाम। अगर आप ये चीज को इस्लाम बोलते हो कि आप जिसके साथ गलत हुआ है उसकी आवाज दबाया जाए और रिलीजन को प्रेफरेंस दे, तो आई थिंक इट्स वेरी रॉन्ग। और सेकेंड थिंग, मैं भी एक मुस्लिम ही हूँ, मैं जानती हूँ इस्लाम क्या है, मैं जानती हूँ कुरान पाक क्या है, मैं जानती हूँ हमारे प्रॉफिट ने क्या बोला है, और वो तो उसका अपोजिट ही हो रहा है। दैट मीन्स फिर इस्लाम टेररिज्म के लिए माना जाता है, दैट मीन्स फिर इस्लाम दहशत के लिए माना जाता है, दैट मीन्स फिर इस्लाम आतंकवाद के लिए माना जाता है। अगर आपकी कंट्री जैसे लोग, आप जैसे लोग इस चीज को एक वो चीज लेंगे कि नहीं यार, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, ये गलत है, बींग अ पाकिस्तानी आप इसको सपोर्ट नहीं करते हो, मुस्लिम बींग अ मुस्लिम आप इसको सपोर्ट नहीं करते हो, तो मैं आपकी ओपिनियंस, आपके रिव्यू चेंज नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज पाकिस्तानियों को जितना ही समझाया जाए उतना ही वो लोग समझते नहीं है। तो आई थिंक इस पे कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, एंड आई थिंक इट इज अ रियलिस्टिक स्टोरी, इट्स नॉट अ प्रोपेगेंडा एट ऑल। और जो स्टेट्स बैन कर रहे हैं, आई थिंक उनमें, उन लोगों में दोगलापन है, उन लोगों में सच्चाई फेस करने की हिम्मत नहीं है, दैट इज वाई दे आर डूइंग इट। एंड मैं गुजारिश करती रहूंगी कि ऐसी रियलिस्टिक स्टोरीज पे, जितनी भी चाहे किसी भी रिलीजन के हवाले से बात करें, कश्मीर फाइल्स थी वो भी एक रियलिस्टिक स्टोरी थी, द केरला स्टोरी है ये भी एक रियलिस्टिक स्टोरी है। तो आई थिंक ऐसी मूवीज को देश में प्रमोट करना चाहिए, देश में क्या पूरे वर्ल्ड में प्रमोट करना चाहिए, ताकि जो है आने वाले वक्त में जो है लोग भी इस चीज को देख पाए, लोग भी इस चीज को समझ पाए कि पिछले जमाने में क्या हुआ था, क्या रियलिटी थी, दैट्स इट। बाकी यहाँ पे इस मूवी का रिलीजियस सेंटिमेंट्स, किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने का कोई भी मकसद नहीं है। यहाँ पे हर कोई रिलीजन के लोग रहते हैं, यहाँ पे इस्लाम के लोग भी रहते हैं, यहाँ पे मुसलमान भी रहते हैं, यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, और हर एक के साथ इक्वल व्यवहार किया जाता है। लेकिन अब हमारी सोसाइटी में कोई किसी भी रिलीजन से निकल के आता है, किसी भी रिलीजन से दहशतगर्दी फैलाने के लिए आता है, तो दिस इज नॉट टॉलरेबल इन इंडिया, सॉरी। अच्छा सर, अच्छा फाइका, मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन तो खैर नहीं है, देखें इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं तो फिर ये तो इस्लाम को बदनाम करने के लिए हो रही है ना। हालांकि मैं खुद भी मैं इसे सपोर्ट नहीं करती हूँ, ठीक है, उनके साथ ज़्यादती होती है, मेरी सैम्पथी है उन लड़कियों के साथ। मुझे बहुत दुख है कि इस तरह की सिचुएशन हुई। और अगर मैं यहाँ पे कहूँगी, जैसे आपने कहा कि हम आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि ये रियलिटी है, इस मूवी को देखा जाए, तो फिर दो स्टेट्स पर क्या उनका होल्ड नहीं था जो वो ये मूवी बैन कर रहे हैं इंडिया में? क्या क्या पहले तो आप मुझे दो स्टेट्स के नाम बोले कि किन दो स्टेट्स पे बैन किया गया है। वेस्ट बंगाल है, ठीक है, एक, और दूसरा एक वेस्ट बंगाल ही है, यानी कि वेस्ट बंगाल में इसे बैन किया गया है। अच्छा, आपने पढ़ा था कहीं से जी कि दो स्टेट में बैन की गई जी है? कैन यू प्लीज शो मी, इस पे पूरा आर्टिकल लिखा गया है, कैन यू प्लीज शो मी? मैं आपको आर्टिकल भेजती हूँ, रुको। नहीं, आप मुझे ऐसे कैमरा पे दिखा दे कि कहाँ पे लिखा था और ये किसने लिखा था। रुको, वेस्ट बंगाल में बैन किया गया है, मैं आपको उसके नाम बताती हूँ, और तमिलनाडु में से बैन किया गया, ये दो स्टेट्स में बैन हुआ है। मैं आपको इसका वो जो लिंक है
वो भी ये भेज सकते आर्टिकल हैं। आप मुझे बोले, आर्टिकल लिखा हिंदुस्तान, किसने है? जी जी हिंदुस्तान टाइम्स में ये जो है खबर पब्लिश हुई है। एग्जैक्टली आई थिंक आप भी वहाँ पे मीडिया चैनल पे काम कर रही हैं। एग्जैक्टली हाँ जी, ममता बनर्जी अनाउंस बैन ऑन द केरला स्टोरी इन वेस्ट बंगाल, फिल्म प्रोड्यूसर रिएक्ट। मैंने आपको लिंक भी पहली भेजा है, आपने बात तो क्लिक कर आपने लीजिए। केरला की बात की, तो केरला में आई थिंक मेजोरिटी जिस हिसाब से वहां पे लोगों ने फेस किया है, तो ऑब्वियसली केरला के लोग इस मूवी के सपोर्ट में हैं। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमारे देश में ऐसे भी बंदे हैं कि जो दहशत को, हर एक देश में गलत सही लोग होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हर किसी सोसाइटी में जो है कुछ रेडिकल्स आएंगे, कुछ एक्सट्रीमिस्ट आएंगे जो अपने बयानात देंगे। और आपने अभी भी बोला कि मैं भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करती हूँ, हालांकि आपको बुरा लग रहा है कि उन लड़कियों के साथ जुल्म जाती हुई, लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो कि आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ द केरला स्टोरी। भाई इट इज रियलिटी, ये एक रियलिस्टिक स्टोरी है जो उन लड़कियों के साथ हुई है। तो इसमें इस्लाम का कहाँ से ही मुद्दा आ गया? इसमें अगर आप चाहते हो कि इस्लाम वो इस्लाम है जो उन लोगों ने उस लड़की के साथ किया था, उन लड़कियों के साथ किया है, तो सॉरी ये इस्लाम नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि आपके रिलीजन सेंटिमेंट्स उन लड़कियों की इज्जत, उन लड़कियों की आबरू और उन लड़कियों की जान से ज्यादा प्यारे है, तो सॉरी ये भी हमारा इस्लाम नहीं है। आपने इस्लाम को अच्छा गलत फाइका, तरीके से लिया है। फाइका जी ANI आपकी न्यूज़ एजेंसी है जिसमें ये पब्लिश किया गया है, ममता बनर्जी सेइंग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू बैन द मूवी द केरला स्टोरी, दिस इज टू अवॉइड एनी इंसिडेंट ऑफ हेट्रेड एंड वायलेंस एंड टू मेंटेन पीस इन द स्टेट। और उन्होंने कश्मीर फाइल के हवाले से भी जो है कुछ बातें की थी, अगर आप ये आर्टिकल पढ़ें तो, और ये हिंदुस्तान टाइम्स देखिए में पब्लिश हुआ बात है। चर्चाशाही, डिसीजंस कुछ और होते हैं और सच्चाई कुछ और होती है, छापा भी कुछ और तरीके। नो डाउट वेस्ट बंगाल में ऐसा हुआ होगा, बट द थिंग इज दैट वहां पे भी मुस्लिम रेडिकल्स ज्यादातर रहते हैं। लेट मी क्लियर यू वन थिंग, वहां पे एक आपको मैं बयान ही नहीं कर पाऊंगी कि किस प्रकार से रेडिकल्स हर सोसाइटी में रहते हैं, चाहे वो किसी भी और रिलीजन की फाइका बात हुई है। जी इट जी इज मैं नॉट ओनली आपकी अबाउट बात, इस्लाम, इट इज नॉट ओनली अबाउट इस्लाम, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, इट इज नॉट ओनली जी अबाउट जी इस्लाम, इट इज अबाउट एवरी रिलीजन। हर रिलीजन में अच्छे बुरे लोग पाए जाते हैं, फर्स्ट थिंग। तो यहाँ पे इस मूवी का जो मकसद है, इस मूवी पहले आप मूवी समझे, मूवी है क्या? मूवी एक है द केरला स्टोरी, जिसमें केरला की कुछ लड़कियां पास फ्यू ईयर्स पहले, उस पे अच्छा डिबेट्स भी हुए, फाइका, आप चेक करें TV9 भारतवर्ष, आप चेक करें ABP न्यूज, आप चेक करें वहां पे क्लियरली जो है ABP न्यूज की पूरी टीम केरला गई थी, दिल्ली से केरला गई थी, वहां पे उन लड़कियों से गुफ्तगू की थी। और उसके बाद जो है TV9 भारतवर्ष के मंच पर भी वो लड़कियां आई थी, उनकी मदर्स आई थी, उनके साथ जो हादसात हुए थे, वो जिसने जिसने मूवी एक्ट की है उसने पहले उन लड़कियों से, वो उनके पास गई है, उसने पहले उनसे वो स्टोरी सुनी है, देन एक स्क्रिप्ट बनाया गया, एक रियलिस्टिक स्टोरी थी उसमें। तो ये मूवी उन लड़कियों के लिए है जो प्रीवियस इयर्स में प्रीवियस सालों में उन्होंने क्या कुछ झेला है। फॉर एग्जाम्पल कोई स्कूल जाता है, उसके दिमागों में गलत तरीके से, गलत प्रकार से उसके, भाई अगर आपको सीरियसली आपको उसको अपना दीन बोलना है ना, तो आप उसको, आप क्यों उसको कन्वर्जन करें, वो भी जबरदस्ती कन्वर्जन, वो भी घर से उठा के ले जाना, वो भी कभी कभार किसी लड़की को मार देना रोड पे, क्या ये इस्लाम है? अगर इस चीज पे रियलिस्टिक स्टोरी बन रही है और कोई सो कॉल्ड लोग उसको अपोज कर रहे हैं, तो आई थिंक उन लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता है, वो बस वो लोग शायद देश में दहशत फैलाने के लिए है। और अच्छा आप एज ए देखिए आप इस्लाम, मुझे गलत आप समझ एज ए रही हैं, मुस्लिम इस चीज को देख रहे हैं कि आपके रिलीजन के नहीं नहीं सेंटिमेंट्स नहीं हर्ट हो आप रहे हैं। मुझे गलत भाई समझ आई एम रही हैं, ऑल्सो ए मुस्लिम, बट आई सपोर्ट दिस थिंग बिकॉज ये रियलिस्टिक है। ये कोई इस्लाम को बदनाम करने के लिए नहीं है, ये उन लोगों को बदनाम करने के लिए है जिन्होंने, बदनाम नहीं, ये उन लोगों का रियल चेहरा दिखाने के लिए है सोसाइटी में, फाइका जिन्होंने 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 इस्लाम को बदनाम किया है, जिन्होंने गलत वे में इस्लाम को लिया है। बट पाकिस्तान अगर टेररिज्म फैलाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ के बंदों को, फाइका तो आप यहाँ के मुझे, दूसरे रिलीजन को तो लगेगा ही कि ऐसे हुआ है, वैसे हुआ है, यही सीन है, इस्लामी ऐसे होता है, फाइका मदरसा छाप होता है, फाइका बिकॉज मैं एक छवि डाली जाती है, आप एक मुझे छवि गलत समझ डाली रही हैं। जाती है।
देखें, आप ना मुझे गलत साइड पे, मतलब गलत समझ रही हैं। मेरा कहने का मतलब गलत ये नहीं है कि समझ इसका रही हूँ, पॉइंट यू क्या जस्ट है। सेड कि आई टोटली अपोज द स्टोरी, बट इट इज अ रियलिस्टिक स्टोरी बिकॉज अ मेरी बीइंग पूरी अ बात गर्ल, सुन ले, बीइंग अ गर्ल आई हैव वेरी मच सिंपैथी फॉर दोज गर्ल मैंने जिन्होंने ये आपको, सब फेस आप किया है, क्योंकि ये जब इंटरव्यू एक सुनी थी, लड़की आप होती है काइंडली जिसको काफी सुनिएगा। और सब मैंने कुछ कहा कि मैं चीजें फेस करनी सेम्पथी होती है, है बीइंग अ गर्ल मैं इन इस चीज बच्चों को के साथ, क्लियरली एक साथ समझती हूँ। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया फाइका कि मुझे सिंपैथी है उन लड़कियों के साथ जिनके साथ ये मामला हुआ। अगर ये मूवी सच है तो मैं सपोर्ट करती हूँ, मैं कोई भी ऐसी चीज जो सच है मैं उसे सपोर्ट करती हूँ, और जो गलत है वो गलत है। और मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि जो गलत है उसको मैं गलत ही कहूँ, उसको ये नहीं एग्जैक्टली कि अपने चैनल के थ्रू उसको मैं गलत नहीं, तरीके आपके से गलत और सही कहने से बनाकर, कुछ नहीं होगा, जो गलत है वो गलत है, जो बिल्कुल सही है वो गलत है सही है, जी। जो सच होता है वो कोई झुटला नहीं सकता है। तो यही गुजारिश और रहेगी मैं मेरी कि यहाँ ये पे ये रियलिस्टिक कहूंगी स्टोरी कि है, कोई इस्लाम ने, प्रोपेगेंडा नहीं है। देखें फाइका, मेरा यहाँ पे मोटिव ये है कि इस्लाम को ना कुछ लोग जो है वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे बदनाम हैं, कर रहे हैं वो एग्जैक्टली, उसको गलत तरीके से यूज जिस करके तरीके से बदनाम उन्होंने, करना है जिस कुछ प्रकार से गलत उन्होंने उन लड़कियों के साथ जबरदस्ती की है, जिस प्रकार से उन्होंने उन लड़कियों के साथ गलत तरीके से व्यवहार किया, उनको जबरदस्ती और कन्वर्जन अपने कराया गया है, पर्सनल तो भाई रीजंस के वो लिए। लड़कियां तो इस्लाम को एग्जैक्टली धर्म, शी वाज क्लियरली सेइंग मैं इस्लाम को धर्म मानती नहीं हूँ, उसमें इसकी उसकी क्या गलती है, जब उस पे उसके दिमाग पे उसको एक इस्लामी रेडिकल आया, उसको मार पीट रहा है, उसको वो ये जबरदस्ती कन्वर्जन करा रहा, तो वो तो बोलेगी इस्लाम के बारे में गलत। मेरे साथ ऐसा वाकया होगा, हिंदुइज्म का कोई मेरे साथ आएगा मैं तो क्लियरली बोल दूंगी यार हिंदुइज्म गलत है। तो ये तो है ही, जब आप किसी के दिमाग में वैसी छवि डाल देते हो, जब आप किसी को उस तरीके से मजबूर करते हो, तो वो क्या मतलब, वो क्या देखेगा आपके रिलीजन को, जब आप में ह्यूमैनिटी ही नहीं है तो आप क्या खुद को इस्लाम कहते हो। इस्लाम में ह्यूमैनिटी का बहुत ज्यादा जिक्र है, आपने प्रॉफिट को देखा होगा कि कोई उनपे कचरा फेंकता था तो कचरा फेंक के भी वो उनको रिएक्ट नहीं करते थे, वो उनको वो बूढ़ी अम्मा जो है उस दिन बीमार क्या पड़ गया, आपने वो वाकया सुना होगा कि किस प्रकार से हमारे प्रॉफिट मोहम्मद पीस जमाने में उनको खबर लेने गए। तो आप तो इस्लाम से कोसों दूर हो, ऐसे लोग तो इस्लाम से कोसों दूर है जो इस्लाम के नाम पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो रिलीजन्स को बदनाम कर रहे हैं, जो मुसलमानों को बदनाम, असली मुसलमान जो है ना उनको बदनाम कर रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी शेमफुल एक्ट जो पास में हुआ है उन मुसलमानों, मैं उनको मुसलमान नहीं बोलूंगी, मैं उनको जाहिल बोलूंगी, मैं उनको टेररिस्ट बोलूंगी, मैं उनको दहशतगर्द बोलूंगी अनएजुकेटेड, जिन्होंने इस बिल्कुल प्रकार से चीजें अनएजुकेटेड, बिल्कुल फैलाई है। जी एग्जैक्टली अनएजुकेटेड पीपल हैं वो, और जिनका मकसद सिर्फ यही है कि वो इस्लाम को यूज करके उनको गलत तरीके से बदनाम किया जाए, बस उनका मोटिव यही होता है। और अगर ये मूवी सच है तो मैं फुली फुली सपोर्ट करती हूँ, मुझे सिंपैथी है उन लड़कियों के साथ जिनके साथ ये ज्यादती की गई है। और एग्जैक्टली देखें आप, आजकल के जो मतलब सिनेरियो चल रहा है, आजकल का जो दौर चल रहा है, इसमें जो यंग यूथ है वो मूवीज और फिल्म की तरफ ज्यादा जाती हैं। तो जो इंडिया में मतलब मूवीज बनाई जाती हैं और यंग यूथ को उस तरफ, यानी कि लोग आजकल, यानी कि जो मैंने देखा ना, बच्चे आजकल बुक्स से ज्यादा मूवीज वगैरह की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और इसलिए मूवीज वगैरह किसी न किसी यहाँ पे लड़की के अगर लेकर मूवीज बनाया या जा रहा बुक्स है। हो ना, यहाँ पे हर चीज के लॉजिक्स होते हैं, ये पाकिस्तान नहीं है ये इंडिया है, यहाँ पे हर चीज पे रिसर्च होती है। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बोला कि उससे बाजाब्ता रिसर्च हुई है, ये केरला स्टोरी पे बाजाब्ता रिसर्च हुई है, क्या ये एक प्रोपेगेंडा है या एक रियलिस्टिक स्टोरी है, तब जाके हमारी बहुत सारी न्यूज चैनल्स, हमारे बहुत सारे नेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लोग वहां पे गए हैं, हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट वहां पे गए हैं जिन्होंने क्लियरली ये प्रूव किया है, जिन्होंने रियल चेहरा दिखाया है। आप टीवी चेक कीजिए, आप नेशनल मीडिया हमारा चेक कीजिए, वहां पे क्लियरली वो लड़कियां बोल रही है विद प्रूफ, वो बोल रही है कि उनके साथ क्या हुआ है, किसी के पास किसी को एसिड फेंका है, कोई बेचारी चेहरा दिखाने लायक नहीं है, किसी को उस प्रकार से उनको वो डिप्रेशन वो सहम गई है वो लड़कियां, अभी भी स्टिल पास में उनके साथ वो है लेकिन वो सहम गई है वो लड़कियां। तो आई थिंक यहाँ पे रिसर्च होती है, यहाँ पे लॉजिक्स पे, यहाँ पे फैक्ट्स पे बात होती है, यहाँ पे ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं बनाई जाती है जिसपे यंग यूथ किताबों से ज्यादा मूवीज पे ट्रस्ट करे, जैसे कि बहुत सारे मूवीज में हमें बहुत सारी सीख मिलती है, यहाँ पे बस यही मूवीज नहीं बनाई जाती है कि बस प्रेम कथा पे मूवी बनाओ तो चलेगा, यहाँ पे हर एक लॉजिस्टिक चीज पे भी मूवी बनाई जाती है, यहाँ पे हर मूवी में लॉजिक्स होते हैं, हर मूवी में जैसे कि केरला फाइल्स की बात करें या फिर कश्मीर फाइल्स की बात करें तो उन मूवीज में रियलिटी दिखाई गई। अब जिन लोगों को, अब जो लोग सच में सोसाइटी में तशद्दुद फैलाना चाहते हैं, वो लोग तो इसको प्रोपेगेंडा के तौर पर लेंगे।
बट फॉर मी इट्स नॉट अ प्रोपेगेंडा, इट्स अ रियलिस्टिक स्टोरी. आई हैव गॉन थ्रू दिस एंड मैंने देखा है कि किस प्रकार से जो है वो लड़कियां बोल रही थी, वो लड़कियां किस प्रकार से अपनी स्टोरी बयान कर रही थी, बहुत ही दर्दनाक थी. वही ना फाइका, बात वही आ रही है ना कि इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछूंगी कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, यूके की होम मिनिस्टर सॉरी होम सेक्रेटरी थी, जिन्होंने एक स्पेशल जो टास्क फोर्स बनाई थी तो टू प्रोटेक्ट वाइट गर्ल्स फॉर फॉर ग्रूमिंग गैंग्स। तो उन्होंने ये एक टास्क फोर्स बनाई थी, क्या ये इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है या वाकई ही इनकी बातों में दम है? क्या कहेंगी? देखिए, इस्लाम को बदनाम करना एक तो है कुछ रियलिस्टिक चीजों पे, जैसे कि आपको मैं बोलूंगी इस्लामिक स्टेट ऑफ यू नो इराक एंड सीरिया, उसके बारे में भी आप जानते होंगे किस प्रकार से वो लड़कियों को ये सब करते हैं. तो आई थिंक मे बी शायद लड़कों की ग्रूमिंग से, जैसे कि मुझे आपको आपसे ही जानने को मिला, मे बी वुमेन एम्पावरमेंट के तौर पर, क्योंकि हर चीज को नेगेटिव वे में नहीं लिया जाता है कि बस इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है, प्रोपेगेंडा है, वो है ये है वगैरह, फलाना फिस्ताना ढिमकाना. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आपने मौलाना भी देखे होंगे जो कि इस्लामिस्ट है और वो क्लियरली बोलते हैं वी आर द इंडियन, हम यू नो इस चीज को सपोर्ट करते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी मौलाना है जो कि हर बार यही दावा करते हैं कि इस्लाम को बदनाम किया जाता है, इस्लाम को वो किया जाता है. ये बस एक गंदी सियासत होती है जो कि देश भर में भी या फिर वर्ल्ड में भी चली चलाई जा सकती है इस्लाम के नाम पे या फिर किसी और दीन के नाम पे. इस्लाम में लोग गलत हो सकते हैं, इस्लाम में भी लोग गलत हो सकते हैं. यू नो व्हाट, हम पहले उनको रिलीजन से बेदखल कहते हैं, क्योंकि जो दहशत को बढ़ावा दे, जो लड़ाइयों को बढ़ावा दे, जो हिंद गजवाए हिंद जैसे नारे आप यू नो आपके मुल्क में लगाए जाते हैं, गजवाए हिंद करेंगे वो करेंगे, क्या वो इस्लाम है? मैं आपको बोलना चाहूंगी. तो आई थिंक ये कोई साजिश नहीं है, ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई स्टेप है एंड वी शुड अप्रिशिएट देम टू. बिल्कुल, क्या कहेंगी कि जो आपका क्या बिलीव है कि जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं, मतलब उनकी जब बात की जाती है तो आप क्या समझती हैं कि आपके जहन में क्या आता है, और ये सच है या झूठ ग्रूमिंग है, क्या कहेंगी? सच है, सच है. ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में अगर हम बात करें तो सही बात है, लड़कियों को ही फेस करना पड़ता है. आप देख सकते हो किस प्रकार से केरला स्टोरी में भी तो ग्रूमिंग गैंग्स की ही बात की गई है, ग्रूमिंग गैंग्स ऑफ इस्लाम. केरला स्टोरी में तो वो चीज क्लियरली डिपिक्ट करती है कि किस प्रकार से रिक्रूटेड लोग जो है लड़कियों पे जुल्म ढाते हैं, उनको कन्वर्जन कराते हैं. सो सेम थ्रेड यही चल रहा है, बिकॉज एक लड़की ही है कहीं ना कहीं जो है. आज माशाल्लाह लड़कियां वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो बहुत आगे जा रही है, लेकिन अभी भी वो डर है कि लड़की के साथ ऐसा ना हो, लड़की के साथ वैसा ना हो. तो मेरा इस चीज पे बिलीफ है एंड इस चीज पे यू नो हर एक गवर्नमेंट को, हर एक देश की गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए, उनकी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहिए, ताकि जो है हमें न सोसाइटी में जितने भी ये सोशल इवल्स हैं इनको दफा मार फेंके. बिल्कुल। तो फाइका, आप क्या समझती हैं पूरे सिनेरियो को देखते हुए क्या होना चाहिए इसका फ्यूचर? आप क्या देख रही हैं, क्या कहेंगी कि उनके लिए, उनके खिलाफ जो ये ग्रूमिंग गैंग्स हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, या जो ये टास्क फोर्स बिल्कुल, है इनके ये कितनी खिलाफ एक्शन लिया वैल्यू? जाना चाहिए. जिस प्रकार से आपने यूके की बात की कि किस प्रकार से उन्होंने जो है व्हाइट गर्ल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रूमिंग गैंग से जो पॉलिसी मेकिंग की, उस प्रकार से जो है हर एक देश को एक ऐसी पॉलिसीज, ठोस पॉलिसीज बनाने चाहिए, ऐसे कानून लागू करने चाहिए जिस प्रकार से जो है इन ग्रूमिंग गैंग्स को. मैंने आपको अभी भी बोला कि हमें न सिर्फ गवर्नमेंट को बट की पब्लिक की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हर देशवासी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक वर्ल्ड के जितने भी नागरिक है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस प्रकार से इन सोशल इवल्स को बाहर फेंके. इट्स नॉट ओनली अबाउट ग्रूमिंग गैंग्स, आप देख सकते हो बहुत सारे हादसे होते हैं. तो आई थिंक पब्लिक का भी एक रोल होना चाहिए, हर एक इंसान एक सोशल एक्टिविस्ट होना चाहिए, सोशल इवल्स को रोकने के लिए उनका बहुत उम्दा हाथ होना चाहिए, तभी जाके हम अपनी सोसाइटी को इन सारी सोशल इवल्स से बचा सकते हैं. और हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए, वैसे हमारी गवर्नमेंट, हमारे लिए अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात की जाए तो दे आर यू नो ऑलवेज एट द फर्स्ट कि वो हमारे लोगों के हकूक, हमारे लोगों के राइट्स, हमारे लोगों की पॉलिसी मेकिंग में यू नो बहुत मतलब अपना अपने यू नो अपने हमें भरपूर कॉन्ट्रीब्यूशंस दे रही है, हमें जितने भी सहूलियात हम उनसे यू नो एक्सपेक्ट करते हैं हमें वो चीजें मिल रही है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है, हो भी चुकी है.
तो हम यही चीजें कहेंगे गवर्नमेंट से कि उनको भी इकदाम उठाने चाहिए, लोगों को भी इकदाम उठाने चाहिए, तब जाके हम एक बेहतरीन सोसाइटी पा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि सोसाइटी में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो अगर एक एक काउंसलिंग किया जाए, वैसे तो जो गलत लोग होते हैं, जो जिनके दिमागों में वो रेडिकलिज्म का कीड़ा होता है ना, वो लोग इस चीज को कभी नहीं समझ पाएंगे। वो लोग शैतान, इंसान कम शैतान ज्यादा होते हैं। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, टू प्रोटेक्ट देयर कंट्री, एंड प्लीज दहशतगर्दी से बचे, टेररिज्म से बचे, टेरर फंडिंग्स बंद करें। पाकिस्तान को भी यही मैसेज देना चाहूंगी, टेरर फंडिंग्स बंद करें, टेररिस्ट को बॉर्डर्स पे कम भेजें और अपनी कंट्री की डेवलपमेंट पे ध्यान दें, तब जाके ये आप लोगों का कुछ हो सकता है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल फाइका, मैं किसी भी ग्रूमिंग गैंग, चाहे वो यूके में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो जहां मर्जी हो, मैं किसी भी इस तरह की गैंग को सपोर्ट नहीं करती, बिल्कुल मजम्मत करती हूँ। और ऐसे लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं और इस इंसानियत को शर्मसार करते हैं, जो कि बड़ा ही अफसोस है। और मेरी जो सिंपैथी है वो उन लड़कियों के साथ है जो इस तरह इसकी लपेट में आती हैं, और मुझे बड़ा दुख है, लिटरली बहुत दुख है। तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आप चैनल को थैंक यू सब्सक्राइब सो करें, मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा, और हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।